इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। Thank you.
सर्वमारी सर्वेश्वरी सर्वखंडिमारी सर्वक्षिमारी सर्वकल्मारी सर्वत्रिमारी सर्वशुमारी सर्वकल्मारी सर्वराष्ट्रिमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्वेतां सर्वनामीयम् सर्वेदिनीयम् सर्वमोहिनीयम् सर्वकर्माष्टकम् पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण महोत्सव जिसको मुकुट सप्तमी भी कहते हैं, आज मुकुट सप्तमी के पावन अवसर पर श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचनेर वाले बाबा के दरबार में आप सभी लोग विशाल 108 किलो के लड्डू चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर जन्म का महोत्सव हो ना हो लेकिन मृत्यु का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि वह मृत्यु नहीं होता बल्कि मोक्ष कल्याण का महोत्सव होता है। और मोक्ष कल्याण का महोत्सव होता है तो अन्यत्र किसी भी संप्रदाय में मात्र जन्म जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस संप्रदाय में जन्म के साथ में मोक्ष कल्याण भी मनाया जाता है। और कैसे मनाते हैं? मोक्ष कल्याण के दिन सभी लोग नैवेद्य लाते हैं, लड्डू लाते हैं और मंदिरों में लड्डू चढ़ाए जाते हैं, बड़े बड़े लड्डू चढ़ाए जाते हैं। क्यों लड्डू चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि ये खुशी का दिन है। क्योंकि यदि भगवान पारसनाथ स्वामी पांच कल्याणक में से गर्भ जन्म तब ज्ञान के बाद मोक्ष कल्याणक को नहीं मनाते तो आज वह पारसनाथ नहीं होते। पारसनाथ तो होते लेकिन जो पारसनाथ तीर्थंकर हैं वह नहीं होते, क्योंकि जब तक किसी भी जीव का गर्भ जन्म तब ज्ञान और निर्वाण ये पांच कल्याणक नहीं होते जब तक वह तीर्थंकर नहीं कहलाते। और ये हमारा और आप सबका भाग्य सौभाग्य है कि हमने उस युग में जन्म लिया जहां पर हमें 24 तीर्थंकर भगवान के साथ साथ में चिंतामणि पारसनाथ भगवान के दर्शन करने मिल रहे हैं, उनके पूजन करने मिल रही है, उनकी आराधना करने मिल रही है। आज वर्तमान में आप सभी देखते हैं कि मंदिरों में आप कहीं पर भी जाएं, यदि कहीं पर 3 प्रतिमा विराजमान हैं, 5 प्रतिमा विराजमान हैं
तो उनमें एक प्रतिमा पारसनाथ भगवान की आपको जरूर 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 से मिलेगी। क्यों मिलेगी पारसनाथ भगवान की प्रतिमा? क्योंकि पारसनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अपितु 10 भव तक उन्होंने अपने ऊपर उपसर्ग को सहन किया और उसके बाद में संकटहरण चिंतामणि पारसनाथ भगवान बन गए। यदि वह उपसर्ग को सहन नहीं करते, समता को धारण नहीं करते, तो हम सभी को कैसे उपदेश मिलता समता को धारण करने। आप ये देखिए, जीवन में अनेक व्यवस्थाएं आती हैं, जीवन में अनेक सुविधाएं आती हैं। हम यहां पर बैठे हैं और थोड़ी देर के लिए ऊपर का पंखा बंद हो जाए तो आदमी थोड़ी देर में ही परेशान होने लग जाता है कि कैसे गर्मी हो रही, कैसे हुआ, कैसे हो, कहीं तो निकल के भाग लेते हैं। लेकिन विचार करिए पारसनाथ भगवान रात्रि में कमट का उपसर्ग नाटिका देखेंगे आप। आप विचार करिए कि पारसनाथ भगवान ध्यानमग्न होकर उनके ऊपर ओले बरसे, सोले बरसे, तरह तरह की चीजें बरसी, लेकिन उसके बाद भी पारसनाथ भगवान अपने एक तब क्या हुआ ध्यान मुद्रा में रहे और उसकी फलश्रुति यह है कि उन्होंने ऐसा ध्यान सम्मेत शिखर के सोनभद्र कूट पर लगाया कि आज सारी की सारी दुनिया पारसनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाने को लालायित होती है। क्योंकि उन्होंने एक बार ध्यान लगाया, लेकिन उनके एक बार ध्यान लगाने से हम जिंदगी भर ध्यान लगा रहे हैं। उनके एक बार आसन लगाने से हम सभी लोग जिंदगी भर आसन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज पारसनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव विविध कार्यक्रमों के साथ, विविध आयोजनों के साथ सम्मेत शिखर जी से लेकर पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में मोक्ष सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। और आज हमारे जीवन का पुण्य है कि जिनकी आराधना हम वर्षों से कर रहे हैं, जिनकी साधना हम सालों से कर रहे हैं, उनके ही दरबार में, कचनेरी वाले पारसनाथ भगवान के दरबार में आज यहाँ पर वापिस मुकुट सप्तमी पर मोक्ष कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भी हमारे जीवन का एक पुण्य का योग है और आप सभी पुण्यशाली हैं कि पारसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर आप सभी के नैन आज पारसनाथ भगवान का अभिषेक देख रहे हैं। जीवन में बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बहुत से जगह हम जाना चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं पाते, बहुत सी चीजें हम खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीदना नहीं पाते, बहुत सी चीजें हम खाना चाहते हैं लेकिन हम खा नहीं पाते। लेकिन कहते हैं कि आज बार बार हम लोग जाते हैं, दर दर भटकते हैं, दर दर भटकते हैं, दर दर भटकते हैं और उसके बाद भी हमारा भटकना छूटता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोग दर दर भटकना छोड़ दो और एक बार पारसनाथ भगवान के दर पर आ जाओ, जिंदगी में कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कहीं पर भी उलझने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि ये दरबार ऐसा है कि यहां पर आने के बाद गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हम लोग को सिखाते थे, आज मुझे वो बात याद आती है कि पारसनाथ भगवान का दरबार कैसा है, उलझने तेरी मिट जाएंगी तू एक बार यहां पर आ जाए, उलझने तेरी मिट जाएंगी तू एक बार यहां पर आ जा, सुलझने तेरी सुलझ जाएंगी एक बार तू यहां पर आ जा और दर दर की ठोकरें खाने से तू बच जाएगा एक बार पारसनाथ भगवान के दरबार में आ जा। कहीं की भी ठोकर खाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि पारसनाथ भगवान ने बहुत संघर्ष झेला, बहुत उपसर्ग को झेला और उसके बाद में क्या हुआ वह पारसनाथ भगवान बने। तो ऐसे पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ पर मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर निर्वाण लड्डू चढ़ाकर घर घर में खुशियां मनाकर पेड़े बांटकर लड्डू बांटकर मनाया जाता है। क्योंकि इन्होंने मरण नहीं किया बल्कि समाधि मरण करके मोक्ष कल्याणक मनाया और जैन धर्म में जो मोक्ष कल्याणक को प्राप्त करता है वही तीर्थंकर कहलाता है और वही तीर्थंकर पदवी का धारी होता है। तो समय अपनी गति से चलना है और अन्य शारीरिक कार्य भी हमें संपन्न करना है। तो मैं यही कहूंगा कि पारसनाथ भगवान का एक संदेश है। आदिनाथ भगवान का संदेश क्या है? आदिनाथ भगवान का संदेश क्या है बताइए? ऋषि बनो या कृषि करो, ये आदिनाथ भगवान का संदेश है। और महावीर भगवान का संदेश क्या है? जीने दो। और बाकी 22 के क्या है? हम लोग क्या करते हैं, जैसा आजकल शॉर्टकट में लोग चल रहे हैं ना, वैसे पहले तीर्थंकर का याद कर लिया कि जियो, पहले तीर्थंकर का है ऋषि बनो या कृषि करो और महावीर भगवान का क्या है जियो और जीने दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पारसनाथ भगवान का संदेश क्या है, किसका है? पारसनाथ भगवान का संदेश पता है आपको क्या है? तो पारसनाथ भगवान का संदेश जो मैं समझ पाया हूं मैं आपको बता रहा हूं, पारसनाथ भगवान का संदेश है कि जो प्रसन्न है वो मेरे पास है। ये पारसनाथ भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो प्रसन्न है वह मेरे पास है और जो उदास है वह मुझसे
कोसों दूर हैं। ये पारसनाथ भगवान का संदेश है कि प्रसन्न होइए, मेरे पास रहिए, और उदास रहिए तो मुझसे कोसों दूर जाइए। नोट कर लो सभी लोग, पारसनाथ भगवान का संदेश क्या है? जो प्रसन्न है वो मेरे पास है, और जो उदास है वह मुझसे कोसों दूर है। ऐसे चिंतामणि पारसनाथ भगवान, जिनकी महिमा गरिमा कितनी की जाए कम है। अभी यह स्वर्ण मूर्ति की बात चल रही थी, यहां पर तो पारसनाथ भगवान की दृष्टि एक व्यक्ति पर भी पड़ जाए तो यह पूरा का पूरा मंदिर और स्वर्ण का बना सकता है। ऐसे भगवान की चमत्कार है, दृष्टि है, मात्र इनकी दृष्टि से दृष्टि मिलना चाहिए। इनकी दृष्टि से एक बार जिसकी दृष्टि मिल जाएगी, आप प्रतिमा की बात करते हो, पूरी वेदी क्या पूरा मंदिर स्वर्ण में हो जाएगा। ऐसे पारसनाथ भगवान है, अंतर इतना है कि हमारी दृष्टि उस लायक है कि हम उनसे मिला सकते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि उन पर पड़े ना पड़े महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि किस पर पड़ रही है यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कचनेर तीर्थ ही ऐसा तीर्थ है जहां पर अतिशय हुआ, अतिशय बहुत सारी जगह हुआ है, आसपास सब जगह अतिशय हुआ है, लेकिन हर जगह तीर्थों पर अतिशय एक बार हुआ, लेकिन संपूर्ण विश्व में क्या, पूरी दुनिया में क्या, पूरे भारत में क्या, पूरे महाराष्ट्र में क्या, सबसे ज्यादा यदि अतिशयकारी प्रतिमा है तो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की है। वो क्यों है? क्योंकि इस प्रतिमा का अतिशय एक बार नहीं, दो बार है। पहले प्रतिमा जी गाय के दूध झरने से प्रकट हुई, और दूसरी बार प्रतिमा जी खंडित होने के बाद जुड़ गई। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है कि जहां पर एक प्रतिमा पर दो दो बार अतिशय हुए हों। तो ऐसे प्रतिमा, अतिशयकारी प्रतिमा के सामने आप बैठकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। तो जो भी मन के भाव है, स्वर्ण रजत हीरा, मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति इनके पास एक बार देख ले, उसके बाद वो तो पूरे मंदिर की वेदी स्वर्ण की बना सकता है, तो छोटी सी प्रतिमा बनाने की बात चल रही है। तो अपने जीवन को सार्थक करें, यही मंगल सुभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार दिल्ली।